हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 1, 2, 3 और 4 हमने सॉल्व कर दिया है। पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, निम्नलिखित अवयव को एक समन्वित अवयव तथा एक विषम समन्वित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? एक समन्वित अवयव तथा एक विषम समन्वित अवयव के योगफल में उसमें क्या करना है, उसको व्यक्त करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 3, 5, 1, 1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.3। पार्ट 5 ये हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 3, 5, 1, -1। ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो वो क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित अवयव को एक संबंधित अवयव, क्या बोल रहा है, संबंधित अवयव तथा एक विषम संबंधित अवयव, संबंधित अवयव तथा विषम संबंधित अवयव के रूप अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, उसके योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पेज नंबर 94 में हमें दिया है, देखिए परमे नंबर 2, किसी वर्ग अवयव को एक संबंधित तथा एक विषम संबंधित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वो दिया है कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। क्या दिया है? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। इतना इतना कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है? संबंधित अवयव के लिए यह हमें फॉर्मूला दिया है, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। ये हमें फॉर्मूला दिया है संबंधित अवयव के लिए। उसके बाद प्लस, प्लस क्यों है? क्योंकि योगफल के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर प्लस, अगर अगर क्या होता, माइनस होता तो क्या था, घटाया जा रहा था। मतलब यहाँ पर क्या है, योगफल, मतलब प्लस, योगफल के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया? प्लस। उसके बाद विषम संबंधित अवयव के लिए क्या फॉर्मूला दिया हमें, 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हमें फॉर्मूला दिया है। इसी की सहायता से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला है ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। ये किसके लिए दिया है हमें? संबंधित अवयव के लिए। उसके बाद क्या है, योगफल, तो प्लस लगा के। उसके बाद दिया है 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हमें फॉर्मूला दिया है। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ये संबंधित के लिए है। तो सबसे पहले इसको संबंधित के लिए हल करेंगे। तो उसको मानते हैं हम ए बराबर, हमने माना इसको ए बराबर, तो उसको लिखते हैं ए बराबर, इसको लिखते हैं 1/2। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, ए प्लस ए डैश ए, इसको मानते हैं हम ए बराबर, इसको हमने माना ए बराबर। क्या बोला, ए प्लस ए डैश ए, ए का वैल्यू क्या है, ये दिया है 3, 5, यहाँ पर लिखेंगे 3, 5, 1, -1। ये हमें ए का वैल्यू दिया है। उसके बाद क्या है, प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद है ए डैश, ए डैश का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 3, 5 यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद 1, -1 यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लगेंगे -1। और ये इतना क्या है, ये विषम संबंधित अवयव के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संबंधित अवयव के लिए इसको हल करते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे, उसके बाद उन्हें योगफल के रूप में उसे दिखा देंगे। मतलब प्लस है तो उसको योगफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो ए बराबर 1/2 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, -1 + -1 और -1 - 2। ए बराबर, अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 की गुना इसके साथ कर लेंगे। तो 6 × 1/2 उसके बाद है 6 × 1/2 उसके बाद -2 × 1/2 ये हमें दिया था, इसमें गुना हमने कर लिया आसानी से। तो ए बराबर, अब हम क्या करके इसको आपस में काट लेंगे। तो ये कितनी बार कटा है, से 3 बार,
यहाँ से कितनी बार हुआ, तीन बार, और यहाँ से ये तीन बार, और यहाँ से ये एक बार, तो इसको लिखेंगे थ्री, और यहाँ पर थ्री, यहाँ पर है थ्री, और यहाँ पर है माइनस वन। तो क्या आया, इस संबंधित के लिए हमारा वैल्यू निकल कर गया, ये संबंधित के लिए हमारा वैल्यू निकल कर गया। लेकिन उसके बाद वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि विषम संबंधित आवयु को, क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है संबंधित आवयु, बोल रहा है संबंधित आवयु तथा विषम संबंधित आवयु, संबंधित आवयु के लिए हमारा वैल्यू निकल कर गया। लेकिन उसके बाद बोल रहा है विषम संबंधित आवयु, विषम संबंधित आवयु के लिए हमारा वैल्यू जो निकल कर के आएगा उसको हम क्या करेंगे, योगफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो विषम संबंधित आवयु के लिए हल करते हैं। संबंधित आवयु के लिए हमारा फॉर्मूला ये था, विषम संबंधित आवयु के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक एक बटा का दो ए माइनस ए डैस। तो अब हम विषम संबंधित आवयु के लिए इसको हल करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं विषम संबंधित आवयु के लिए। तो लिखेंगे एक बटा का दो, ए इज इक्वल टू मानते हैं ए बराबर एक बटा का दो क्या है, ए माइनस, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमें दिया है ये, इसको हम इसको यहाँ पर लिखेंगे थ्री फाइव वन माइनस का वन। उसके बाद क्या है, माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस। उसके बाद है ए डैश, ए डैश हम इसी से प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे, थ्री फाइव इसको कॉलम बना देंगे, वन माइनस वन, वन और माइनस का वन, इतना हुआ। अब ए बराबर एक बटा का दो, इसको आपस में घटा लेंगे, थ्री माइनस थ्री तो बचेगा जीरो। उसके बाद क्या है, फाइव माइनस वन, यहाँ पर बचेगा फोर। उसके बाद है वन माइनस फाइव, यहाँ पर बचेगा माइनस का फोर, माइनस वन और माइनस माइनस मिलकर प्लस, माइनस वन और प्लस का वन, तो यहाँ पर बच जाएगा जीरो। अब ए बराबर एक बटा दो के गुना इस पूरे के साथ कर लेंगे, जीरो गुना एक बटा का दो, चार गुना एक बटा का दो, माइनस चार गुना एक बटा का दो। उसके बाद है जीरो गुना एक बटा का दो, ये हमने इसके साथ कर लिया। अब ए बराबर, अब जीरो गुना एक बटा के साथ दो के साथ करेंगे जीरो ही रहेगा, अब इसके गुना इसके साथ करेंगे तो यहाँ से कटेगा कितनी बार, दो बार, इसके इसके साथ करेंगे यहाँ से कितनी बार कटेगा, दो बार, तो माइनस का टू, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो बचेगा जीरो। तो संबंधित आवयु के लिए वो आंसर वैल्यू निकल कर आता है, ये किसका है, विषम संबंधित के लिए, विषम संबंधित के लिए। तो वो क्या बोल रहा था कि, वो बोल रहा था कि संबंधित आवयु तथा विषम संबंधित आवयु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो संबंधित के लिए क्या था हमारा वैल्यू, संबंधित के लिए क्या था, ये था, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, संबंधित के लिए ये था तो उसके यहाँ पर लिखेंगे थ्री 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 थ्री, और यहाँ पर था थ्री, और यहाँ पर माइनस वन, ये संबंध के लिए था। उसके बाद विषम संबंध के लिए क्या था, विषम संबंध के लिए ये था जीरो टू माइनस टू जीरो, यहाँ पर लिखेंगे जीरो टू माइनस का टू और जीरो, इसको हमें क्या हमें करना था, योगफल के रूप में, मतलब योगफल के रूप में क्या है, प्लस, तो हमें क्या करना था योगफल के रूप में, तो यहाँ पर था प्लस, तो इसको मान लेंगे हम ए बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ये संबंध के लिए था और ये विषम संबंध के लिए है, और हमने क्या करना था, हमें योगफल के रूप में उसको व्यक्त करना था, उसको दिखाना था, तो हमने ये इसको ये आंसर है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट सेकंड हमें दिया है सिक्स माइनस टू टू, माइनस का टू थ्री माइनस वन, टू माइनस वन थ्री, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन का पार्ट सेकंड हमें दिया है ए बराबर, मानते हैं ए बराबर हमें दिया है सिक्स माइनस टू, और यहाँ पर है टू। उसके बाद दिया है माइनस का टू, और यहाँ पर दिया है थ्री, और यहाँ पर माइनस का वन। उसके बाद दिया है टू माइनस का वन, और यहाँ पर है थ्री, ये हमें दिया है। हमें क्या बोल रहा है, वो संबंधित तथा विषम संबंधित आवयु के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो संबंधित तथा विषम संबंधित आवयु के रूप में व्यक्त करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है ए बराबर, हमें फॉर्मूला दिया है एक बट्टा का दो ए प्लस ए डैश, ये किसके लिए है, संबंधित के लिए।
उसके बाद हमें योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद है 1/2 ए माइनस ए डैश, ये क्या है किसके लिए है, विषम सम्बंधित अवयव के लिए, ये हमें फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम्बंधित अवयव के लिए करेंगे, तो लिखेंगे 1/2 ए बराबर 1/2, ए का वैल्यू क्या है यहाँ से लिख लेंगे जो भी है 6 माइनस का 2 और यहाँ पर है 2, उसके बाद क्या है माइनस का 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर माइनस का 1, उसके बाद है 2 माइनस का 1 और यहाँ पर है 3, उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन, उसके बाद है ए डैस, ए डैस कीजिए। अब ए डैस हम इसी से ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 6 माइनस 2 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस का 2 और यहाँ पर लगाएंगे 2, माइनस का 2 3 माइनस 1, माइनस का 2 और यहाँ पर लगाएंगे 3 और यहाँ पर माइनस का 1, 2 माइनस 1 3, यहाँ पर लिखेंगे 2 यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। इसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो a बराबर 1/2, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, माइनस का 1 माइनस का 1 तो माइनस का 2, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 1/2 की गुना इसके साथ करेंगे तो a बराबर क्या करेंगे 12 गुना 1/2 माइनस 4 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, ये हमने इसके साथ करते हैं, माइनस 4 गुना 1/2, 6 गुना 1/2, माइनस 2 गुना 1/2, हम आपस में गुना कर रहे हैं 1/2 की, 4 गुना 1/2, माइनस 2 गुना 1/2 और 6 गुना 1/2। अब a बराबर इसको जो जो भी यहाँ से कट रहा है उसको हम ऐसे काट लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 और यहाँ पर बचेगा 2, उसके बाद यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बच जाएगा माइनस 1 और यहाँ पर बच जाएगा 3। तो ये a बराबर हमारा वैल्यू निकल करके आया, ये किसके लिए आया संबंधित के लिए हमारा निकल करके आया। अब बात करेंगे विषम संबंधित के लिए, अब विषम संबंधित के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो विषम संबंधित के लिए हम ज्ञात करते हैं 1/2, इसको मानते हैं a बराबर 1/2, क्या दिया हमें a का वैल्यू जो भी है उसको लिख लेंगे, a बराबर हमें दिया था तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर माइनस 1, 2 माइनस का 1 और यहाँ पर 3, उसके बाद दिया है माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, उसके बाद क्या है a डैश, तो a डैश हम इसी से ज्ञात कर लेंगे, तो क्या करके इस रो को इस कॉलम में ऐसे चेंज कर देंगे, 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 और यहाँ पर 2, माइनस का 2 3 माइनस 1, माइनस का 2 3 माइनस का 1, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। हम क्या करेंगे इसको आपस में घटा लेंगे, तो a बराबर 1/2 6 माइनस 6 0, माइनस का 2 माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो बचाएगा 0, 2 माइनस 2 यहाँ पर बचेगा 0, उसके बाद 2 माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस का 2 और प्लस का 2 0, 3 माइनस 3 यहाँ पर बचेगा 0, माइनस 1 माइनस माइनस के प्लस तो यहाँ पर बचेगा 0, 2 माइनस 2 0, माइनस का 1 माइनस और माइनस मिलके प्लस, माइनस का 1 और प्लस का 1 तो 0, 3 माइनस 3 यहाँ पर बचेगा 0। तो a बराबर
अगर हम इस 1/2 की गुना इसके साथ करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर भी, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 0 हुआ। तो ये किसके लिए था? विषम सममित आवयव के लिए, ये था विषम सममित आवयव के लिए। तो आंसर ये सममित के लिए क्या था? सममित के लिए निकल करके आया था। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आया था यहाँ था a इज इक्वल टू, मानते हैं इसको, चलो 6 माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 3 और माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। उसके बाद विषम सममित आवयव के लिए क्या था? विषम सममित आवयव के लिए यह था 0 0। तो इसको आपस में लिखते हैं, क्या करना था हमें? योगफल के रूप में व्यक्त करना था। फॉर्मूले में क्या था? प्लस, योगफल के रूप में व्यक्त कर रहे थे, यहाँ पर लगाएंगे प्लस। इसका वैल्यू क्या निकल करके आया? जो हमने अभी लिखा ये, तो हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद क्या था? फॉर्मूले के रूप में प्लस था और यहाँ पर क्या था? 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0 था। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 3 भी सेम ऐसे ही है जैसे पार्ट 2 था। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर ना हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्व करके फिर से देंगे। तो पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं एक बार फिर से। 1 5 माइनस 1 2, तो पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 आप खुद कीजिएगा। तो 1 5 माइनस का 1 और यहाँ पर है 2, ये हमें दिया है। सबसे पहले हमने इसको a के बराबर माना। फॉर्मूला क्या है? 1/2 a बराबर, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ये है संबंध के लिए, और प्लस योगफल के रूप में व्यक्त करना, तो प्लस और 1/2 ए माइनस ए डैश, ये किसके लिए? ये विषम सममित आवयव के लिए। सबसे पहले करेंगे सममित आवयव के लिए, तो लिखेंगे ए बराबर 1/2 ए का वैल्यू ये हमें दिया है 1 5 माइनस का 1 और 2। उसके बाद प्लस ए डैश, ए डैश इसे ज्ञात कर लेंगे, 1 5 माइनस 1 2, माइनस का 1 और 2। हमने इसको रो को कॉलम में चेंज किया, तो a इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 1 माइनस का, तो प्लस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 5 माइनस का वो प्लस का 4, 2 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 4। अब a बराबर 1/2 के गुना इसमें पूरे के साथ कर लेंगे, 2 × 1/2, 4 × 1/2, 4 × 1/2 और 4 × 1/2, ये हमने इसके साथ किया। अब a बराबर इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो संबंधित के लिए ये निकल कर गया। अब बात करें विषम सममित आवयव के लिए, विषम सममित आवयव के लिए करते हैं। तो 1/2 a बराबर मानते हैं 1/2 a माइनस ए डैश, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, ए का वैल्यू है 1 5 माइनस का 1 और 2। उसके बाद माइनस ए डैश, ए डैश इसे ज्ञात कर लेंगे, 1 5 माइनस का 1 2, माइनस का 1 और 2, ये मिल गया। अब a बराबर 1/2 इसको आपस में घटा लेंगे, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 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 मिल के प्लस, तो 5 प्लस 1 6, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6, 2 माइनस 2 0। ए बराबर 1/2 के गुना इसके साथ कर लेंगे, 0 × 1/2, 6 × 1/2, −6 × 1/2, 6 × 1/2, ये दिया है। अब ए बराबर यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर काट कर और यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर बचेगा −3 और यहाँ पर बचेगा 0। तो ये किसके लिए है? विषम सममित आवयव के लिए। उसको क्या करना है? योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सममित के लिए क्या था? 1 2 2 2, तो सममित के लिए क्या था? a बराबर मानते हैं 1 2 2 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और 2 और यहाँ पर 2। उसके बाद क्या है? प्लस
योगफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो प्लस लगाएगा यहाँ पर, प्लस विषम संबंध के लिए क्या था ये 0 3 -3 0 0 3 -3 0 ये, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है यदि ए तथा बी समान कोटि के संबंधित आवयु है तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा, विषम संबंधित आवयु होगा, विषम संबंधित आवयु, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि ए बराबर हमें दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तथा ए बराबर वो ए प्लस ए डैश बराबर किसके आई के, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यदि ए बराबर हमें दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो तथा हमें ज्ञात करना है ए प्लस ए डैश बराबर किसके है आई के, ए प्लस ए डैश बराबर आई के है, तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है ए प्लस ए डैश करना है, तो ए का वैल्यू हमें दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू इसका क्या दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर है कोस अल्फा, उसके बाद प्लस यहाँ पर लगाएंगे प्लस साइन, उसके बाद क्या है ए डैश, ए डैश हम क्या करेंगे इसी से ज्ञात कर लेंगे, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इसको हम कॉलम बना देंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पर है कोस अल्फा किसके बराबर है आई के, बराबर किसके हैं आई के, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको और इसको आपस में जोड़ लेंगे, तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा तो कितना होगा टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा आपस में कितना हो जाएगा जीरो बचेगा, साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा है और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा, तो कितना होगा जीरो हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा तो टू कोस अल्फा बराबर किसके है आई के, आई का वैल्यू कितना होता है 1001, ये आई का वैल्यू हमारा होता है। अब टू कोस अल्फा बराबर किसके वन के, टू कोस अल्फा बराबर किसके वन के, तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, कोस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 या अल्फा बराबर कोस 1/2। अब कोस 1/2 मतलब कोस 30 डिग्री, कोस 1/2 मतलब कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री बराबर कितना होता है π/3, तो ये अल्फा बराबर कितना हो जाएगा π/3 और π/3 इसमें कौन है बी, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।